सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट्स, आपने अक्सर फील किया होगा, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आपके जो साइकिल का व्हील है उसमें जो तीलियां लगी होती हैं, कभी कभी उन तीलियों के ऊपर से एक कोटिंग सी निकल जाती है और आपको अंदर से आयरन की तीलियां दिखाई पड़ने लगती हैं। क्या कभी आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि उन तीलियों के ऊपर वो कवर क्यों किया जाता है? आज की वीडियो में आपका ये कन्फ्यूज़न इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा हम दूर करेंगे। चलिए बच्चों, हम लोग आज पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेथड क्या है, उसके एप्लीकेशन कहाँ हैं हमारी लाइफ में, और थर्ड में हम लोग बात करेंगे कि इसके मेथड, एप्लीकेशन और यूजेस क्या यूज़ हैं, क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमें मेथड के बारे में बात करना होगा। तो बच्चों, इस चीज़ को आप इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको दो मेटल्स की ज़रूरत होती है। एक मेटल वो होती है जिसके ऊपर कोई दूसरी मेटल का कोट करना है। जैसे आप बच्चों देखते होंगे, आप कभी किसी को गिफ्ट देने जाते हैं बर्थडे पार्टी में या मैरिज में, तो आप देखते हैं कि आप गिफ्ट लेके ओपन नहीं देने जाते, आप उसकी बढ़िया से अच्छे से पैकिंग करा देते हैं। तो बच्चों, अंदर एक गिफ्ट हो गया, ऊपर इसकी पैकिंग हो गई। उसी तरह से एक मेटल होती है जो अंदर रहेगी और दूसरी उसके ऊपर उसकी दूसरी मेटल की कोट चढ़ाई जाएगी। तो बच्चों, जिस मेटल के ऊपर कोट चढ़ना है, जिस मेटल के ऊपर हमको चढ़ाना है, तो वो मेटल आपका बच्चों किस तरह फंक्शन करेगा? कैथोड, ठीक है ना। यहां पर बच्चों हम जो एग्जांपल लेंगे दो मिनट बाद, वो लेंगे कि एक लोहे की कील है, आयरन नेल है, उसके ऊपर कॉपर चढ़ाना है। तो लोहे की जो कील होगी वो किस तरह से फंक्शन करेगी? जैसे वो क्या हो? कैथोड हो। और एनोड बच्चों किसका बनाया जाएगा? क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस कभी भी कराना होगा तो आपको कैथोड और एनोड के बिना काम नहीं चलेगा। तो यहां पर चूंकि किसकी चढ़ानी है कोटिंग हमें? कॉपर की। तो बच्चों, मैं आगे यहां पर लिख दे रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, और ये मैं लिख क्या रहा हूं, जिस पर परत चढ़ानी है। वैसे इंग्लिश मीडियम बच्चे इसको पसंद नहीं करेंगे हिंदी में लिखा हुआ, लेकिन ठीक है, अपनी मदर टंग है, कभी कभी यूज करनी चाहिए। तो जिस पर परत चढ़ानी है, जिस मेटल के ऊपर कोट करना है, उस मेटल काहे का बनाया जाएगा? उस मेटल को कैथोड बनाया जाएगा। और जिस की परत चढ़ानी है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी परत चढ़ानी है वो काहे का होगा बच्चों? कॉपर का। अब बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में तीसरी चीज एक और चाहिए होगी, और वो तीसरी चीज है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों, हिंदी मीडियम बच्चे इसको विद्युत अपघट्य भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के एक खास बात मैं बता दूं कि जिस चीज का एनोड बनाया जाएगा उसी के आयन इलेक्ट्रोलाइट में जरूर होने चाहिए। जैसे यहां पर Cu है, तो Cu के आयन होने चाहिए, तो हम लोग जो लेंगे इलेक्ट्रोलाइट वो क्या लेंगे बच्चों? Cu++, और वो किस फॉर्मेट में है? CuSO4 की। तो इससे हमें क्या मिलेगा? Cu++। थर्ड चीज हमें चाहिए होगी करंट। तो बच्चों, एक चीज ख्याल रखिएगा, जो आप करंट यूज करेंगे वो डीसी करंट यूज करेंगे। जो करंट यूज करेंगे वो करंट आपका होगा डीसी करंट, जिसको हम बच्चों डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं। वो भी उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए लो होनी चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज का और हाई एम्पियर का आप डीसी करंट नहीं यूज करेंगे। क्लियर हो गया होगा। इन चार चीजों को लेकर के हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आप घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप अगर मेरे पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको मैं प्रोसेस भी सिखा दूंगा, आप घर पे जाके ट्राई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, इसलिए विदाउट किसी प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के मत करिएगा, लेकिन घर पे करा जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको क्या फिल कर देना होगा? इस पर सबसे पहले मैंने फिल कर दिया ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। आपको पता है ना बच्चों, Cu++ आयन किस कलर के होते हैं? चलिए सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए जाके कि Cu++ आयन किस कलर के होते हैं। तो ये बच्चों इसमें भर दिया गया CuSO4। अब इसमें मैं दो नेल्स डालूंगा या दो रॉड डालूंगा, एक रॉड होगी आयरन की और दूसरी किसकी होगी? कॉपर की। बच्चों, ये ब्लैक कलर की मैंने बना दी आयरन की नेल, ठीक है ना। ये ब्लैक आप जो देख रहे हैं वो आयरन नेल है, और जो इधर आप ग्रीन देख रहे हैं वो कॉपर की नेल है। तो बच्चों, यहाँ दो नेल्स बना दी गई, या आप रॉड कह लीजिए अगर आपको नेल या कीली नहीं पसंद आ रहा है। इसके बाद इन्हें हमें क्या देना है बच्चों? डीसी करंट।
तो बच्चों डीसी करंट देने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, मैं इसको जोड़ दे रहा हूं। और ये चूंकि देखिए बच्चों मैंने क्या बताया कि ये कॉपर क्या होगा आपका, कॉपर किस तरह काम करेगा, कॉपर फंक्शन करेगा जैसे कि वो क्या है, एनोड है, इट विल फंक्शन एज एनोड। तो बच्चों आपका ये एनोड हो गया, और ये किस तरह फंक्शन करेगा, जैसे ये क्या है आपका कैथोड, ठीक है कैथोड। बच्चों थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा लेकिन जल्दी नहीं करेंगे, अच्छे से समझें ये ज्यादा जरूरी है। अब हमने इसको करंट देना स्टार्ट करा, इधर बच्चों पॉजिटिव वाला पोर्शन होगा और ये निगेटिव वाला, इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब बच्चों मैं सबको सिंबलाइज कर दूं, कैथोड किसका बनाया मैंने, आयरन की नेल का, एनोड किसका बनाया, कॉपर की नेल का, और यहां पे जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं ये भरा है, ये किसका सॉल्यूशन भरा हुआ है, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट। चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप इसमें चाहे तो एक स्विच लगा सकते हैं, यहां रास्ते में आप चाहे तो यहां पर एक स्विच दे सकते हैं, ठीक है मैंने यहां स्विच भी लगा दिया। अब आप इस स्विच को ऑन करें, घर में जैसे बोर्ड में स्विच होता है, इस स्विच को आप ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बैटरी से। अब बैटरी से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा बच्चों, तो ये जो CU की रॉड है, CU की रॉड है, वो CU के एटम्स, बस ये लाइन ध्यान समझिए बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, CU की जो रॉड है वो इलेक्ट्रॉन यही CU की रॉड पे छोड़ करके खुद सॉल्यूशन में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे बच्चों जरा देखिएगा, CU डबल प्लस बन के इस पे कैसे घूमने लगेंगे सॉल्यूशन में, CU डबल प्लस बन के। तो बच्चों इस सॉल्यूशन में देखिए कौन निकल के आ गया, CU डबल प्लस, ठीक है ना, ये CU डबल प्लस आयन इस सॉल्यूशन में घूमने लगे। अब इनके ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, और बच्चों पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करता है, निगेटिव की तरफ, तो ये सारे CU डबल प्लस किसकी तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि बच्चों कैथोड पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, वो इनको इलेक्ट्रॉन दे के इनके चार्ज को खत्म कर सकते हैं। तो ये सारे बच्चों जो CU आप देख रहे हैं, CU आयन, ये सारे CU आयन यहां इस कैथोड के चारों तरफ चिपक जाएंगे। यहां क्यों चिपक जाएंगे आके, जैसे भक्त भगवान के साथ चिपक जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, उसी तरह से इनको यहां पर आशीर्वाद के स्वरूप क्या मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे CU डबल प्लस आयन इसके ऊपर चिपक जाते हैं जाके, और इस तरह से आयरन की रॉड के ऊपर कॉपर की एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है। बच्चों समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से अभी तक। इन केस दैट अगर आप ये एग्जांपल ना ले करके, कई जगहों पे आपको एक दूसरे टाइप का भी एग्जांपल देखने को मिलेगा, उसमें अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप कोई स्पून, वो एग्जांपल बहुत फेमस है, यहाँ पे बच्चों मैं अगर एक स्पून ले लूँ, ठीक है ना, एक चम्मच ले लूँ और उस चम्मच को मैं इस कैथोड से लगा दूँ, ठीक है ना, और उसके ऊपर अगर उस चम्मच को मुझे चांदी या सोने का बनाना हो, दैट मीन्स मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं और मुझे तो दिखाना है मेहमानों की, हम तो चांदी के चम्मच से खाना खाते हैं, सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चांदी की या सोने की रॉड चाहिए होगी। तो आप एक चम्मच लटका देंगे, डूबा हुआ होना चाहिए, और यहाँ अगर चांदी चढ़ाना चाहते हैं तो चांदी की रॉड, और गोल्ड चढ़ाना चाहते हैं तो गोल्ड की रॉड लेनी होगी, ठीक है ना। अब जब आप यहाँ पर गोल्ड की या सिल्वर की रॉड लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आप सिल्वर, मैं आगे इसको इधर समझा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप स्पून के ऊपर, चम्मच के ऊपर अगर किसकी कोटिंग करना चाहते हैं, सिल्वर की कोटिंग, ठीक है ना, तो स्पून बच्चों किस तरह बिहेव करेगा, समझ आ गया होगा बहुत सारे बच्चों के माइंड में तुरंत, कि कैथोड और सिल्वर कैसे फंक्शन करेगा, जैसे क्या हो, एनोड, कैथोड एनोड तो हो गया। अब बचा इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर सकते हैं AgCN, है ना, सिल्वर साइनाइड का, या आप चाहें तो सोडियम अर्जेंटोसाइनाइट इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। यहां पर बच्चों बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का यूज नहीं करना, ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेनी है कि बहुत स्ट्रांग अगर इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे तो उससे होगा क्या, बहुत झटके से इलेक्ट्रोलिसिस होगी, या बहुत हाई डीसी करंट ले लिया, दो चीजें बहुत, अगर आप हाई ले ले रहे हैं, दैट मीन्स अगर आप हाई करंट ले ले रहे हैं और एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, दो चीजें मेरी नोट करिए कॉपी पे, नोट करिए बच्चों, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं और हाई वोल्टेज का करंट ले रहे हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत तेजी से होगी, बहुत रैंडमली होगी, और यहां से बहुत तेजी से कॉपर आयन यहां जमा होना शुरू हो जाएंगे, तो कहीं पर ज्यादा और कहीं पर क्या हो जाएगा,
कम कॉपर जाके इकट्ठा होगा या कम सिल्वर, कहीं पर ज्यादा सिल्वर जाके इकट्ठा होगा, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करेंगे वो भी इसमें मदद कर देगा, और जो स्पून के ऊपर आप सिल्वर चढ़ा रहे हैं वो कहीं पर सिल्वर ज्यादा चढ़ जाएगा और कहीं पर सिल्वर कम चढ़ेगा। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हमने कहा था दूसरी बात हम करेंगे एप्लीकेशन की, कि ये हमारा जो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटरिंग उसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो फीमेल्स यूज करती हैं कि हाँ शादी में जाना है और बहुत सारा बच्चों मेकअप करके जाना है। अब बच्चों ये देखिए जो मैंने ये मैंने गोल्ड का पहन रखा है बच्चों, इसका जो ये जो है वो नॉन रिएक्टिव है। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में जो गोल्ड होता है वो बच्चों बहुत नीचे आता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस रिंग की बात करूं, तो ये गोल्ड की रिंग बच्चों ये आपके एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने यहीं पर एक छल्ला पहन रखा होता, रिंग पहन रखी होती और वो आयरन की होती, तो उस पर कोरोजन हो जाता, जंग लग जाता, ठीक है ना। उससे बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस चांदी के बहुत सारे बच्चे ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि सर की रिंग तो गोल्ड की है ही नहीं, कहीं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके चांदी का छल्ला या फिर लोहे का तो नहीं पहन रखा है। बच्चों बताएंगे आप हमें कि ये क्या लग रहा है आपको, गोल्ड है या फिर इस पर मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा रखी है। वैसे बच्चों ओरिजिनल है। तो अगर आप छल्ला पहन रहे हैं और आपको लगता है कि हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे सोशलिस्टिक रिलेशनशिप है, वहां हमारी धौस बनी रहे, तो आप क्या करते हैं कि आप उन लोहे की चेनों के ऊपर, इन अंगूठियों के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करा देते हैं गोल्ड या सिल्वर की। दूसरा, जैसे मैंने आपको साइकिल के व्हील का भी एग्जांपल दिया, वहां पर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। गाड़ियों में क्रोमियम चढ़ा दिया जाता है जिससे वो चमकते रहे और उनमें भी कोरोजन जल्दी ना होने पाए। तो ये तो हो गए हमारे बच्चों एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से ही पता चलता है कि इसका यूज क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहली बात तो कोरोजन से बचाता है, ठीक है ना, उसके रेजिडिटी को बढ़ा देता है, उसकी लाइफ को भी इंक्रीज कर देता है, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो इन चीजों से आपका जो मेटल है जो जल्दी खराब होने वाला है वो जल्दी से खराब नहीं होगा, वो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। और हम लोग कोशिश ये करते हैं, थोड़ी मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, कि लो रिएक्टिव मेटल की ही कोटिंग करी जाती है हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर। हाई जो रिएक्टिव मेटल होगी हम लोग उसकी कोटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग कॉपर की कर रहे हैं आयरन के ऊपर। आपको पता है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन, और यहाँ पर सिल्वर इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन और स्टेनलेस स्टील स्पून। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होगी, मतलब यहाँ अगर आपको लग रहा हो अभी भी, अगर शक मन में हो, तो देखिए यहाँ पर मैंने गोल्ड का प्लेटिंग करा रखा, अगर आपको लगता है तो वैसे गोल्ड की है, तो गोल्ड प्लेटिंग इसके ऊपर करा रखा, अगर इसके अंदर कोई मेटल छुपी भी होगी तो वो इससे कम रिएक्टिव होगी। कम रिएक्टिव मेटल्स के अंदर जो छुपी होगी वो हाई रिएक्टिव मेटल होगी, और उसके ऊपर कम रिएक्टिव मेटल की प्लेट चढ़ा दी जाएगी, क्योंकि कम रिएक्टिव मेटल जो होगी वो एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 5 4 3 2 1 एंड गो, ठीक है ना। अब आप इस पे क्लियर रखेंगे, अपने पॉइंट्स को क्लियर रखेंगे। क्या क्लियर रखेंगे, कैथोड बनाना है किसका, जिस पर परत चढ़नी है, मतलब अगर इसके अंदर लोहे का छल्ला है तो वो लोहे का कैथोड आयरन का होगा, गोल्ड ऊपर चढ़ाया गया है तो गोल्ड का एनोड होगा, इलेक्ट्रोलिसिस करते समय इलेक्ट्रोलाइट वो लेंगे जिसका एनोड होगा, उसके आयरन होने चाहिए सोल्यूशन में। तो यहां पर मैंने आयरन की रॉड ली, इधर कॉपर की रॉड ली, चूंकि हमने आयरन के ऊपर चढ़ाना है परत तो इसको कैथोड, और इसकी चढ़ाना है तो इसको एनोड मान लिया, और इसी के आयन होने चाहिए सॉल्यूशन में, Cu डबल प्लस आयन निकल के आएंगे, इलेक्ट्रॉन यही एनोड पे छोड़ जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर लेने के लिए कॉपर के जो आयन है वो जाकर के आपके यहाँ पर इसके ऊपर एक पतली सी थिन लेयर चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। अगर वीडियो में कोई सी भी एक बात आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आपके लिए अगर लगता है आपको कि राइट वे में मेहनत की जा रही है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल के लिए आपका प्रोत्साहन है। तो आप हमें अपने अपने सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहित करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर कोई कमी लगी है तो उसको आगे सुधारा जाएगा, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा आपके कमेंट के इंतजार में, आपका एजुकेशनल चैनल ई स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन।